सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। भारत पाकिस्तान के एक बार से फिर बनते हुए तल्लक की रोशनी में भारत पाकिस्तान को कैसे देखता है इस बात का इजहार भारत के फॉर मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने टाइम्स नाव के इनकलेव में किया इस पर आज की गुफ्तु में मैं कुछ तजिया करूँगा इसके साथ साथ बातचीत होगी चाइना कैनेडा के बीच बढ़ते हुए बुरे तल्लक के हवाले से कशीदगी बढ़ रही है चाइना अमेरिका के बीच भी कशीदगी बढ़ रही है ये बातचीत भी होगी और कोविड की जो सिचुएशन है वो इस वक्त वाकई ही बहुत अलार्मिंग है अगरचे वैक्सीन से होप है पूरी दुनिया को लेकिन उस होप में यह भी ख़तरा है कि लोग एहतियात छोड़ रहे हैं और कोविड के नंबर्स पूरी दुनिया में एक बार फिर बढ़ रहे हैं आज के बिला तकल्फ तजिए में ये हैं आज के इम्पॉटेंट इश्यूज सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ की कर्टीसी के साथ एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप है टाइम्स नाउ का अभी एक एनक्लेव हुआ और उसमें भारत के की मिनिस्टर्स ने शिरकत की इसी तरह जयशंकर जी भी उस एनकलेव में थे और उन्होंने टाइम्स नाउ के एडिटर को भारत और पाकिस्तान के बीच तल्लक के हवाले से जो आ, बातें करना चाही वो गोल मोल भी थी एवॉइड भी की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आ, छोड़ दिया तेल देखो तेल की धार देखो के मुताबिक पहले मैं विद अ कर्टसी ऑफ टाइम्स नाउ के ये वीडियो क्लिप आपसे शेयर करता हूँ फिर मैं थोड़ी सी और कमेंट्री इस पर करूँगा आई वक आई वु Uh, we would. We've always wanted normal neighbourly relations with Pakistan. Everybody knows what that means. Huh? So, if there are trends in that direction, of course, I would. I would uh, welcome it and and strengthen it. But beyond that, I think uh, it would not. It would be. I think the joint immature. statement really led to the speculation because it was worded. Rahul, in such you can a come at it 25 different ways. I would still give you the same answer, which is you know. Uh, Wait I have and watch. We're going to, you have said, but so there is a degree of optimism. You would say that it might translate into something a little more. I would say what I have said. Okay. So let me ask you this: um, You're going to be holding a meeting on the sidelines of uh, the Heart of Asia conference in Tajikistan. That's what news reports are saying. Is there a meeting on with your Pakistani counterpart? I am going for the uh, Heart of Asia uh, uh, meeting conference. Uh, my uh, scheduling is still in progress. Now, so far, uh, I'm, you know, I don't think any such meeting. I, I think, as always, the press uh, is sometimes so far ahead. I wonder uh, what, uh, what is driving them. But do you have any opportunities there to perhaps, you know, talk, have a little bit of a conversation, a pull aside? No, look, Would you be open I, to it? I, uh, listen. I'm not going to sit here and uh, discuss any of that with you I'm going for a heart of Asia conference and by the way uh, you know my Pakistani counterpart and I were both at the Shanghai Cooperation Organization conference as well which was some months ago in Moscow but you're open to a pull aside if it were to happen I think uh, Rahul this is time for you to move on to your next okay. question so. आई अंडरस्टेंड आई मीन इट्स इट्स नवर ईजी टू सेकेंड गेस्ट टेस्टी नेबल लाइक पाकिस्तान भारत के बहुत ही सीज़न्ड डिप्लोमेट और टॉप मिनिस्टर जयशंकर जी अवॉइड कर रहे हैं टाइम्स नाउ के बहुत सारे क्वेश्चन को इसलिए कि वाकई ही बहुत मुश्किल है कि टाइम से पहले चीज़ों को रिवील करना और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तल्लक़ की जो नोयीत है वो वाकई ही आ, वेट एंड वॉच वाली ही है या तेल देखो तेल की धार देखो वाली ही है तो भारत के फॉरम मिनिस्टर जयशंकर जी एवॉइड कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को वो कह रहे हैं कि अभी आप देखें अभी ये सिचुएशन जो भारत और पाकिस्तान के बीच है ये देखने वाली बात यह कि ऊँट किस करवट बैठता है उनके कहने का मकसद यही है मगर जो टाइम्स नाव के एडिटर हैं सीनियर एडिटर हैं राहुल साहब वो भी एक सीजनड जर्नलिस्ट हैं वो भी चाहते हैं कि जितना उनसे उगलवा सकें उगुलवा लें लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है जो कुछ फ़ॉरन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा इससे पता चलता है कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं भारत और पाकिस्तान के मबैन और मैं भी अपने शोज़ में कई हफ़्तों से कह रहा हूँ कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो वाली सूरत नहीं है जो सर्दमैरी की सिचुएशन है और शायद इससे पहले भी बहुत बार पाकिस्तान और भारत के बीच तल्लक बेहतर हुए मगर फिर वो ख़राब हो जाते हैं लेकिन इस बार सिचुएशन इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की वजह से और दूसरा बड़ा फैक्टर भारत का जो अपना फर्म स्टैंड है ऑन सर्टन ईशूज सच एज़ टम सच ऐज़ क्रॉस बॉर्डर जो इस पे भारत इतना फर्म कभी भी स्टैंड नहीं था जितना आज है तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिससे चीज़ें जो अमन की पहले चलती थी और उसमें बीच में पटाखे चलते थे और टेररिजम प्रॉक्सी होती थी या तो वो नहीं होगी या फिर ये अमन की बातचीत भी आगे नहीं चलेगी क्योंकि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर भी डिफरेंट पोजीशन में है इस बार और भारत भी डिफरेंट पोजीशन में है इस बार बहरअल ये तो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान की आज के एनालिसिस में अगर हम चीन की बात करें तो चीन के जिस तरह तल्लक बिगड़ रहे हैं ख़ास तौर तो पर अमरीका के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हम कनेडियंस के साथ वो भी अब कोई डकी छुपी बात नहीं रही और इसी सिलसिला में इंटरेस्टिंगली चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन स्पोक्स पर्सन जो हैं वो आ, एक अपनी ट्वीट में आ, कुछ बात करते हैं वो ट्वीट पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्पोक्स पर्सन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चाइना के हैं वो हैं स्पीकिंग ऑफ बैक स्टेज मैनिपुलेशन विलकरसन वो बात कर रहे हैं कर्नल लॉरेंस विल्करसन्स की सो अगेन आई रीड इट स्पीकिंग ऑफ बैक स्टेज मैनिपुलेशन विल्करसन्स स्पीच एट रॉन पॉल इंस्टीट्यूट एक्सप Post the shocking conspiracy of the u.s. and west to destabilize xinjiang and contain china's development. the cotton smears are just part of the bigger plot. up who is the ministry of foreign affairs china spokesperson, mr. muhammad Liljian, uh, joe, पाकिस्तान में आ, बहुत इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट चाइना के रह चुके हैं आजकल वो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद लिजियान जो है मैं उनका दूसरा नाम ठीक से प्रोनन्शिएट शायद नहीं कर रहा मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा उनसे चूँकि चाइनीज़ नाम है और समाइम इज हार्ड टू प्रोनन्शिएट इनका तल्लक वीगर मुस्लिम कम्युनिटी कि के उस सूबे से इनकेान से है ये मुसलमान हैं और ये अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखा करते थे कुछ साल पहले तक अब इन्होंने मोहम्मद नाम के साथ लिखना बंद कर दिया है और ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फारन अफेयर्स के पर्सन है वो फिर अपने ही इस ऑफिशियल ट्वीट को अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करते हुए विद कमेंट कुछ बात करते हैं वो भी पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो यहाँ पर लि जान जाहू साहब यानी मोहम्मद लीजियान ज़ाहू साहब कहते हैं कि शॉकिंग कॉन्स्परेसी ऑफ द यू एस एंड वेस्ट डी स्टेबलाइज डी स्टेबलाइज एंड कंटेन चाइनाज डिवेलपमेंट द कॉटन स्मीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द बिगर प्लॉट वही वर्डिंग जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में यूज़ की वही वर्डिंग उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल में जाके यूज़ की मोहम्मद लजान जाव जी ने तो उनका ये कहना है कि वेस्ट अब जो उनके अपनी स्टेट जहाँ से उनका तल्लक है यानी सिंकियांग से जो वीगर मुस्लिम्स में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको तालिबान और अलकायदा की तरह इस्तेमाल करेगा उन टेररिस्टों को कोर्ट एंड कोर्ट उनके मुताबिक और चाइना में वो एक उसी तरह की डिस्टेबलाइजेशन करेगा जिस तरह अफगानिस्तान में की मिडल ईस्ट में अमेरिका ने की ये उनका मकसद है, है ये ममासलत अपनी जगह पर बहुत मुश्किल है चूँकि वैस ने इसमें कोई शक वाली बात नहीं यूज़ किए इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों को वर्ल्ड वाइड अपने इंटरेस्ट में लेकिन चाइना में इतनी बुरी तरह या इतनी मज़बूत गिरफ्त है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कि वहाँ पे अलकायदा तालिबान कुछ भी नहीं कर सकते ये शायद आ, सीखने की ज़रूरत है वेस्ट को चाइना से इनफैक्ट लेकिन ये बात तय है कि अब आजकल चाइना और वेस्ट की ठनी हुई है आपने इन दोनों ट्वीट्स में गौर किया होगा कि वो सिर्फ यूएसए को नहीं कह रहे वो यूएस एंड वेस्ट कह रहे हैं अपनी दोनों ट्वीट्स में इसका मतलब ये है कि चीन की अब ठनी हुई है दोनों ही कंट्रीज के साथ या दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के साथ यूँ कहना चाहिए क्योंकि वेस्ट कोई एक कंट्री नहीं है वेस्ट में तो खुद अमेरिका भी आता है वेस्टर्न वर्ल्ड है पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया से कैनेडा तक लेकिन अब वो मकम्मल तौर पर यू एस और वेस्ट का भी नाम ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि वेस्ट और यू एस एक पेज पर काफ़ी अरसे से हैं और अब बिल्कुल क्लियरली है कि चाइना को कंटेन किया जाए ये ये शब्द भी वो यूज़ कर रहे हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो वहाँ पे बनी हुई है और इसी ट्वीट में यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद लि जान जाउ जी ने फिर वो लॉरेंस विलकरसन का जो एक वीडियो क्लिप है उनकी एक तकरीर से 2018 की एक तकरीर से काट काट के अपनी मर्ज़ी से बना के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी रिलीज़ किया जैसा कि उन्होंने रिलीज़ किया हम वैसा ही आपको दिखाते हैं और फिर मेरी कमेंट्री We're in Afghanistan, as we were in Germany post World War II, because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the Central Base Road Initiative of China, that runs across Central Asia. If we had to impact that with military power, we are in position to do so in Afghanistan. Second reason we're there is because we're cheek and jowl with the potentially most unstable nuclear stockpile on the face of the earth. In Pakistan, we want to be able to leap on that stockpile and stabilize it if necessary. And the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs, and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib and in in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it to foment unrest. And to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. Interestingly and funny. Uh, इसका एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने अपनी इस ऑफिशियल ट्वीट में आखिर में आ, वो जो कहते हैं ना हंसी का एक कहके का एक छोटा सा क्लिप भी लगाया है यानी चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने खुद ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और वो शायद ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये कितना बड़ा जोक है अब मिस्टर लॉरेंस विलकर्सन का जो ये वीडियो क्लिप है उसके मुताबिक वो ये बताना चाहते हैं वो ये केस बनाना चाहते हैं और ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स बना रही है कि वीगर्स मुस्लिम को चाइना के अंदर बहुत बड़ा अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए टेर्रज़म क्रिएट करने के लिए तैयार करना चाह रहा है वेस्ट और अमेरिका उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको तैयार किया जाए इसलिए वो वीगर्स मुस्लिम का नाम लेकर चाइना पर सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पर सैंक्शंस लग रही हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सपेरीसी का पता चलता है कोट एंड कोर्ट कॉन्सपेरीसी का चाइना के मुताबिक वेस्ट की कि वेस्ट मुसलमान कोट एंड कोट दहशत गर्दों के ज़रिए चाइना में क्या करना चाहता है और उससे उनके अजाइम क्या हैं ये है चीन का मौक़ और वेस्ट इस वक्त बात कर रहा है वीगर मुस्लिम्स की वेस्ट वीगर मुस्लिम्स के ही नाम से चाइना पर सेंक्शन लगा रहा है और चाइना में और भी ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं तिब्बत का इशू बहुत पुराना है लेकिन वीगर मुस्लिम आजकल कल अमेरिकन ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको एक ह्यूमन राइट्स की बेस बनाई हुई है जिसकी बुनियाद पर वो चाइना पर सेंशन लगा रहा है तो जब ये सेंक्शंस कैनेडा की तरफ से चाइना पर लगी, अमेरिका की तरफ से लगी, और भी वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं तो कैनेडा पर एक मज़ीद अजाब आया चूँकि कैनेडा काफ़ी परेशानी में है चाइना की वजह से टू माइकल्स ऑलरेडी इस वक्त चाइना की जेलों में हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस है और उन दोनों माइकल्स के लिए चाइना का ये कहना है कि पहले हमारी जो सी एफ ओ हैं हवावी आ, की उनको छोड़िए और हम फिर तब छोड़ेंगे अदरवाइज़ इन पर डेथ सेंटेंस के भी मुक़दमे बन सकते हैं टू माइकल्स पर तो बिल्कुल खुली ब्लैक मेलिंग है खुली आ, बदमाशी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं चाइना की और कनाडा भी अब खुल के बोल रहा है कनाडा ने खुल के बोलना शुरू किया तो कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के एक एमपी जो फॉरेन अफेयर्स कनाडा के आ, जो इश्यूज हैं उस पर वो अपोजिशन के क्रिटिक भी हैं उन पर भी सेंकशन लग गया वो भी अब चीन नहीं जा सकते और इसके साथ साथ कैनेडियन और हुकाम पर भी सेंकशंस लग गया और इसके साथ साथ अमेरिकन पर भी सेंक्शन लग रहा है तो इस सिलसिले में कैनेडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने एक ट्वीट दिया वो ट्वीट आपके साथ में शेयर करता हूँ कम्युनिस्ट चाइना हैज़ सेंक्शन कैनेडियन एम पीज़ फॉर कॉलिंग अटेंशन टू द जीनोसाइट इन जिनजैंग वी विल नाट बी इंटीमिडेटिड वी मस्ट कीप एक्सरसाइजिंग आर फ्रीडम्स एंड स्टैंड अप टू द चाइनीज कम्युनिस्ट रजीम ये है कन्जरवेटिव पार्टी का ट्वीट और लिबरल भी कुछ इससे मिली जुली बात कर रहे हैं अगर जो लिबरल की सरकार है यहाँ कैनेडा में उनको ज़रा और स्ट्रांग स्टैंडस लेना चाहिए ताकि चाइना को अंदाज़ा हो कि कैनेडा इज़ नॉट हैप्पी विथ चाइना मगर कैनेडा वाकई चाइना से हैप्पी नहीं है चाइना को पता भी है लेकिन यह भी एक रियलिटी है कि चाइना इज़ एपरेंटली नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस इशू वो ये कहता है कि हु केयर्स ये है चाइना का इस वक्त का स्टैंड इस सिलसिले में टैग टीवी ने एक ख़ास तौर पर रिपोर्ट तैयार की आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ चीन ने अमेरिका और कनाडा में चंद अहदेदारों और कनाडा के एक पार्लिमानी ग्रुप पर पाबंदियों का ऐलान किया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में चीन ने अमेरिका और कनाडा में चंद अहदेदारों और कनाडा के एक पार्लिमानी ग्रुप पर पाबंदियों का ऐलान किया है यह ऐलान चीन के नीम ख़ुद मुख्तार खिते सिंकियांग बेगौर में बेगौर बाशिंदों और दूसरी अकलियतों के इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर पाबंदियां आयद करने वाले दीगर के हमरा इन दोनों मुल्कों की शमूलियत के बाद किया गया है यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के साथ इकदाम उठाते हुए अमरीका और कैनेडा ने बाईस मार्च को चार चीनी चीनीदारों और खत्ते के महकमा अवामी सलामती पर पाबंदियों का ऐलान किया था जिन पर ऐसी पामालीयों में मुलाविस होने का इल्जाम है इन पाबंदियों में सफरी और असासों का मुंजमद किया जाना शामिल है चीन की वजारत खारजा ने जवाबी इकदाम के तौर पर हफ्ते के रोज अपनी जानब ऐसी पाबंदियों का ऐलान किया है इसने बैन अवी मजहबी आजादी पर अमरीकी कमीशन के दो अरकान कैनेडा की पार्लिमान के एक रुकन और कनेडा के दारम की जैली कमेटी बरए बैन अलावा इंसानी हकूक को हदफ बनाया है इन सब के लिए चीन हांगकांग और के सफर और तबादलों को दिया गया है अमरीकी और कैनेडा के, के खिलाफ चीन की पाबंदियों की मजम्मत है चीन के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अब ठनी हुई है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं कई शोज में बातचीत कर चुका हूँ और ये बातचीत होती रहेगी चूंकि ये बहुत बड़ी सर्द जंग भी है इकनॉमिक वॉर भी है इंटेलिजेंस uh, की वार भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वार भी है टेक्नोलॉजी की भी वार है और आइडियोलॉजी की भी वार है और इस हद तक ख़तरा है कि कहीं ये वार वाकई ही असल वाली वार में ना कभी तब्दील हो जाए सिचुएशन बहुत टेंस है इसलिए कि चाइना जिस तरह एक माइट बनता चला जा रहा था उस पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने ध्यान नहीं दिया और चाइना अपनी टर्म्स पे ही चल रहा था और साथ साथ बुली कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड की और वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल करेक्टनेस अपनी हाइट्स पे है और मज़ीद हाइट्स पे है अब वेस्टर्न वर्ल्ड उसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ ही चाइना को डील करना चाहती है तो जो काफ़ी मुश्किल है प्रेजिडेंट ट्रम्प के ज़माने में प्रेजिडेंट ट्रम्प से बहुत बलंडर होते थे ये बात भी रियलिटी है मगर एक बात तय है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस चाइना के हवाले से उन्होंने आप अप, अपने आखिरी एक साल में बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और वो ज़ुबान उनकी बहुत सख्त थी और माइक पॉम्पियो जो उनके स्टेट सेक्रेटरी थे वो उनकी भी जुबान बड़ी सख्त थी लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेटजिक और सीजनड डिप्लोमेट थे अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में वो भी चाइना के ख़िलाफ़ सख्त स्टैंड लिए हुए हैं लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ चल रहे हैं देखने वाली बात यह है कि वो अपनी इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ चलते हुए कितना मुकाबला कर पाएंगे चाइना की पुलिस का चाइना के प्रोपागेंडे का और चाइना की पावर का लेकिन जो मामला प्रजिडेंट ट्रम्प का था ख़ासतौर तौर पर एक साल से कोविड के आ जाने के बाद वो वाकई ही बहुत चैलेंजिंग था चाइना के लिए और वो खुलेआम नाम लेते थे चाइना का कोविड के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट थी वो बात अब नई जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा नहीं कर रही कोविड से वो उतने ही परेशान हैं चूँकि कोविड अभी तक दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज भी कोर्स चाइना से आया इसमें कोई शक वाली बात नहीं है अब President Joe Biden has said that COVID a challenge. We video clip video clip. We are in the life and death race with the virus that is spreading quickly. With cases rising again, new variants are spreading. And sadly, some of the reckless behavior we've seen on television over the past few weeks means that more new cases are to come in the weeks ahead. तो प्रेसिडेंट जो बाइडन अपनी अमरीकी कौम से ही कह रहे हैं कि भाई आप इस पर काबू पाएँ आपके अंदर जो रेकलेस बिहेवियर है कोविड को ना समझने का अपनी गैर एहतियातियों का मास्क पहन के नहीं जाते या आप एहतियात नहीं कर रहे इससे फैल रहा है वेरिएंट भी आ रहे हैं इसके लेकिन वो अपनी इस तकरीर में भी और भी किसी तकरीर में भी कभी चाइना को इसका ज़िम्मेदार करार नहीं देंगे ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस न्यू रजीम प्रेजिडेंट ट्रम्प के ज़माने में चाइना को ही ज़िम्मेदार करार दिया जाता था और कोर्स चाइना से ही वो आया है और इसके ओरिजिन के हवाले से अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन चाइना नहीं करने दे रहा अब अमेरिका की नई डेमोक्रेट सरकार पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ चाइना का जिक्र भी नहीं करते कोविड के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन चाइना बाज नहीं आता चाइना के वही स्पोक्स पर्सन मोहम्मद लि ज़ाहू जी ने फिर आज एक ट्वीट में ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले सदर ट्रम्प के ज़माने में कह दिया था कि ये जो वबा है ये जो कोरोना वायरस है ये में अमरीका से ही आया था आज भी वो अपनी ट्वीट में फिर यही बात कहते हैं यू एस एडमिनिस्ट्रेशन बेशक इससे इचतनाव करे इसका जिक्र ना करें लेकिन वो अपना जिक्र करते रहेंगे अब उनका ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो अपनी ट्वीट में कहते हैं कि ऑन कोविड नाइन्टीन औरिजिन ट्रेसिंग वन विल दू एस शो द सेम ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी एज़ चाइना

भले से जो यूएस की नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के सख्त स्टैंड्स को छोड़ के पोलिटिकल क्रेक्टनेस की हाइट्स पे जाके ज़िक्र भी ना करे कोरोना वायरस का चाइना से आने का वो बल्कि और म्यूटेंट स्टेंट्स कह दें जी यू के साउथ अफ्रीका स्टेंट्स भाई ये जितने भी स्ट्रेंट्स हैं ये अल्टीमेटली आए तो वुहान के उस वायरस से ही है ना लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस की हाइट्स को टच करती रहे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वहीं की वहीं रहेगी चैलेंजेस वहीं के वहीं रहेंगे आने वाले दिनों में आप और मैं और हम सब देखेंगे कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो दुनिया के लिए और ख़ुद आम चाइनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है एक बहुत बड़ा फ्रीडम थ्रेट है उसको कैसे टैकल किया जाता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा मगर ये बात तय है कि एक बहुत बड़ी सर्द जंग का बहुत बड़ा आगाज़ हो चुका है आज का बिला तकल्फ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ टैक टी वी साउथ एशिया डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाके डोनेट का बटन भी दबाइए और आप जो भी कंट्रीब्यूट हमें कर सकते हैं कीजिए ताकि हम आपके इस नेगेटिव परिवार को आगे लेकर चलते रहें सब्सक्राइब टैक टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन